तो हेलो दोस्तों, लगातार आपके लिए अपडेट लेकर के आ रहा हूँ। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स सीआरई से रिलेटेड अपडेट लेकर के आ रहा हूँ, आईपीएल 2023 से रिलेटेड अपडेट लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से सेकंड ओडीआई मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का हुआ, जिसमें मैन ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क को दिया गया, लेकिन जिस तरीके से मिचेल मार्श ने बल्लेबाजी की, 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से उन्होंने 66 रन मारे, जो कि 36 बॉल में तूफान बल्लेबाजी की। जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस एकदम खतरनाक टीम नज़र आ रही है, आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग खतरनाक टीम नज़र आ रही है, लेकिन दोस्तों हम कोई टीम को नहीं मान सकते हैं। जिस तरीके से मिचेल मार्श ने बल्लेबाजी की, तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक गुड न्यूज़ नज़र आ रही है कि मिचेल मार्श जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मिचेल मार्श दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स मिचेल मार्श के बलबूते में फाइनल भी लेकर जा सकती है। जिस तरीके से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की जोड़ी बनेंगी आईपीएल 2023 के अंदर, मिचेल मार्श ओपनिंग भी कर सकते हैं, कुछ संभावना बन सकती है। लेकिन संभावना तो ये है कि डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन दोस्तों, मिचेल मार्श वन डाउन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक तूफानी बल्लेबाजी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे, जबरदस्त देखते हुए मजा आ गया। तो दोस्तों, यही अपडेट लेकर के आया था मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लगातार क्रिकेट से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।